बिहार में नीतीश मंत्रिमंडल में 26 मंत्री शपथ ले चुके हैं। इनमें से कुछ कद्दावर मंत्रियों के इंटरव्यू हम आपको अब दिखाने जा रहे हैं। नंद किशोर यादव से जब एबीपी न्यूज ने बात की, क्या कुछ उन्होंने कहा है सुनवाते हैं आपको। नवनिर्वाचित मंत्री नंद किशोर यादव जी मौजूद है हमारे साथ। बधाई हो, आप मंत्री बन गए। दोपहर तक आपको उम्मीद थी? ये बिल्कुल, मैं तो खुद निर्णय की प्रक्रिया में शामिल था। मुझे प्रसन्नता है कि मुझे इस मंत्रिमंडल में काम करने का अवसर प्राप्त होगा। वैसे पहले भी नीतीश जी के साथ 7.5 साल तक मैंने मंत्री का पद संभाला है और काम किया है, तो मुझे ज्यादा प्रसन्नता होगी फिर से इस बार मंत्री बनकर नीतीश जी के साथ काम करने का। कौन सा विभाग आप चाहते हैं और क्या लगता है क्या मिलेगा आपको? देखिए, कौन विभाग मिलेगा ये हमारी प्राथमिकता में नहीं है। हमारी प्राथमिकता बिहार का विकास है। मुख्यमंत्री का ये अधिकार है कि वो विभागों का वितरण करें। जो विभाग मुख्यमंत्री मुझे आवंटित करेंगे, उस विभाग को एक बेहतर काम करके मैं उसको दिखाऊंगा। और जेडीयू के खाते में 19 मंत्री गए हैं, एनडीए में अभी 16 हैं। ऊपर से जो आरएलएसपी और हम जो सहयोगी दल हैं, उनको कोई मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया है, ऐसा क्यों? नहीं नहीं, एनडीए के कोटे में 16 मंत्री हैं और जेडीयू के कोटे में 19 मंत्री हैं। आरएलएसपी और हम का एक भी बात बोल सुनने जी बोलिए। और आज आप जानते हैं कि 16 में से अभी 13 ही मंत्री के शपथ ग्रहण की बात है, कई सीटें रिक्त है। सब एक ही बार कर लेंगे तो बाकी दिन में आप क्या करेंगे? इसलिए आपको भी बाकी दिन में कुछ काम रहे इसलिए हमने तय किया है, बाकी लोगों का बाद में करेंगे। मतलब मांझी जी मंत्री बनेंगे? नीतीश कुमार और मांझी जी के बीच में जो दूरियां थी वो कम होंगी? नहीं, मांझी जी ने बड़प्पन दिखाया है और उन्होंने स्वयं इस बात की घोषणा की है कि मैं मुख्यमंत्री रहा हूँ इसलिए मैं मंत्री नहीं बनूंगा। उन्होंने स्वयं घोषणा की है और एक बड़ा दिल दिखाने का काम किया उन्होंने। कब तक ये नया मंत्रिमंडल विस्तार होगा? भाई आज हुआ ही है भाई, मेरे कुछ दिन तो चलने दो। तो कुछ दिन ये मंत्रिमंडल चलेगा, उसके बाद जो रिक्त स्थान है उन मंत्रियों के पद भरे जाएंगे। हमारे सहयोगी शैलेश कुमार के साथ उत्कर्ष कुमार सिंह, एबीपी न्यूज, पटना। मुजफ्फरपुर से विधायक हैं सुरेश शर्मा, पहली बार मंत्री बने हैं, क्या कह रहे हैं सुरेश शर्मा सुनिए। बीजेपी विधायक सुरेश शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, आज पहली बार मंत्री बने हैं। सबसे पहले आपको बधाई, उम्मीद थी कि आप मंत्री बनेंगे? जी, उम्मीद तो हम पहले नहीं किए थे, लेकिन इधर 2-3 रोज में हम लोगों को पूरी उम्मीद थी कि हम लोगों को मंत्री बनाया जाएगा। हमको 2 दिन पहले तक तो आप सत्ता में भी नहीं थे, सत्ता में आने के बाद अचानक से आपको उम्मीद हो गई कि आप मंत्री बनने जा रहे हैं? विश्वास था कि मंत्री बनाए जाएंगे। जिस तरह से आपाधापी में इतनी अजीब तरीके से सरकार में आप लोग आए, मंत्री पद मिलने के बाद कैसा फील हो रहा है? अच्छा फील हो रहा है। और हम लोग बिहार में जो विकास और लॉ एंड ऑर्डर दोनों अवरुद्ध था, हम लोग उसको गति में लाएंगे और नीतीश जी के संरक्षण में, और हम लोग काफ़ी तेजी से जो बचा हुआ समय है उसमें पूरा काम जो बिहार पटरी से उतर गया है उसको पटरी पर लाएंगे, और केंद्र और बिहार सरकार दोनों मिलकर के बिहार का एक उज्जवल भविष्य बनाने का हम लोग कोशिश करेंगे। क्या क्या उम्मीद है, कौन सा विभाग आपको मिलेगा तो आप ज़्यादा अच्छा से कर सकते हैं? विभाग तो अभी हम नहीं बता सकते हैं, विभाग तो मिलेगा, लेकिन जो भी विभाग मिलेगा उसमें हम लोग चुनौती के साथ उसमें काम करेंगे। तो सुरेश शर्मा दूसरी बार विधायक, पहली बार मंत्री, इन्हें 2 दिन से उम्मीद थी कि बीजेपी के सरकार में आने के बाद इन्हें मंत्री जरूर बनाया जाएगा। हमारे सहयोगी शैलेश कुमार के साथ उत्कर्ष कुमार सिंह, एबीपी न्यूज, पटना। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।